वेल हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट टॉरेसिस थ्योरम एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। होता ऐसे है कि फर्ज किया हमारे पास कोई भी एक ऐसा टैंक है जिसमें कोई लिक्विड लाइक पानी मौजूद है। कॉमनली जैसे आपके घरों में पानी के टैंक होते हैं छतों के ऊपर, आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन ये देखी होगी कि लेट से यहाँ पे आप धक्का लगाते हैं, पानी यहाँ से नीचे आते हुए स्पीड गेन करता है। अब आप यहाँ पे अगर नलका लगा लेंगे, यहाँ से कोई होल होगा तो आप देखेंगे पानी कुछ इस तरह से आके गिरेगा और ऊपर जाएंगे तो इस तरह से गिरेगा। सो जैसे जैसे ऊपर जाता है लाइक वो जो आपका ड्रेन पॉइंट होगा, स्पीड यहां से कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन फर्ज किया अगर ये पानी यहां से निकल के आ रहा हो, यहां से निकल के आ रहा हो, तो जमीन पे नीचे इस जगह पे पहुंच के पानी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, या जिस स्पीड के साथ पानी यहां से मूव कर रहा है अगर यहां से निकल के आए तो क्या इधर पहुंच के उसकी सेम स्पीड होगी या नहीं होगी। तो ये चीज हम देखना चाहते हैं कि मतलब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन पी वन प्लस वन बाय टू रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये आपकी बर्नौलीज़ इक्वेशन है और टॉरेसिस थ्योरम में हम देखना चाहेंगे जो पानी या लिक्विड यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर रहा है वो कितनी है। ठीक है, उसके लिए हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट्स रखेंगे। अस्यूम करें पानी का लेवल हमारे पास यहाँ तक था कि लाइक वो पूरा टैंक भरा हुआ नहीं है, और ये वो पॉइंट है जहां से आपने ड्रेन कनेक्शन दिया हुआ है, लाइक पानी यहां से बाहर निकल के आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैं पॉइंट वन कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं पॉइंट टू कह देता हूं। सो बर्नौलीज़ इक्वेशन के डेटा के मुताबिक हम देखते हैं कि जैसे ही हमने यहां से लाइक वो आउटलेट को ओपन किया, पानी फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो इधर आप पॉइंट्स को नाम दे देंगे वन का, इधर पॉइंट्स को नाम देंगे टू का। तो सबसे पहले बताएं जो इस जगह पे जहां से ऊपर पानी रुका हुआ है प्रेशर को क्या नाम देना चाहिए, P1 का नाम होगा। जो यहां पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कितना होना चाहिए P2। लेकिन याद रखिएगा बहुत ज्यादा हाइट्स हो वहां पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, इधर हाइट पानी की इतनी ज्यादा नहीं है तो कोई इतना खास चेंज नहीं आएगा। जैसे मैं इस रूम की बात करूं, मैं यहां पे खड़ा हूं तो जो एटमॉस्फेयर मेरे सर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मेरे पांव पे भी मोर और लेस उतना ही है, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से पानी के टैंक की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती लाइक लिक्विड लेवल की। तो आप कह सकते हैं कि पी वन इक्वल्स टू पी टू, लाइक ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर है, सो सिंपली हम इन्हें पी का नाम दे सकते हैं। बात समझ आ गई। अब उसके बाद देखें यहां पे जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की उसका नाम क्या रख लिया हमने v1, जो ग्राउंड लेवल से हाइट है पानी के लेवल तक की उसका नाम है h1, जो यहां पे ड्रेन पॉइंट तक हाइट है इसका नाम है h2। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो हाइट का फर्क है दैट मस्ट बी h1 माइनस h2, जिसे आप सिंपली एज कह सकते हैं। क्लियर हो गया। और उसके बाद बाकी हमारे पास प्रेशर भी हमने सॉल्व कर दिए, वेलोसिटीज को देखते हैं। इधर वेलोसिटी आपकी लिक्विड v1 है, यहां पे वेलोसिटी आपकी लिक्विड क्या होगी v2। क्या पानी जब हम टैंक ओपन कर लेते हैं कोई आउटलेट पॉइंट, यहां से पानी मूव कर रहा होता है नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको नजर नहीं आता। वजह यह है कि वो लेवल स्लोली डाउनवर्ड हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हम जीरो ले सकते हैं, हमें ऐसे फील होगा जैसे पानी रुका हुआ है। तो यहाँ पे v1 क्या हो गया जीरो हो गया, और v2 को हमने सिंपली v कह दिया जो कि हमने फाइंड करना है। तो हम लोग इंटरेस्टेड है टॉरेसिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पॉइंट वन और पॉइंट टू पे। तो जरा डेटा लिखते हैं कि डेटा के मुताबिक हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। इन्फॉर्मेशन ये है प्रेशर P1 को पॉइंट 1 पे हमने क्या कहा वो P2 के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू P। तो मैं P1 की जगह भी P लिखूंगा,
पी टू की जगह भी पी लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए पी वन की जगह मैंने लिख दिया पी प्लस वन बाय टू रो डेंसिटी, उसी तरह से है ये v1 velocity आपकी liquid at this point किसके बराबर है, zero के बराबर है, so यहाँ पे zero का curl plus rho g h1 is equal to p2, आपके पास यहाँ पे आपने कहा उसे सिंपली आपने p कह दिया, उसके बाद half rho v2 का square आपने find करना है, so simply v2 को हटा के आपने v square find कर दिया, और उसके अलावा प्लस रो जी एच टू। अब मजीद सॉल्व करते हैं, मैंने पहले कहा था एट पॉइंट वन एंड पॉइंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब है पी वन पी टू जो दोनों हमने पी कहा था वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाली टर्म क्योंकि सारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जब एक टर्म भी जीरो आ जाए तो आपका सारे का सारा रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सो p आपका ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, हाफ रो इनटू जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ये आपका रिजल्ट बन गया। अब आप ऐसे करें, इस रो जी एच टू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव रो जी एच टू है, जब लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वेशन पे आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा रो जी एच वन माइनस ये वाली टर्म रो जी एच टू इज इक्वल टू वन बाय टू रो वी का स्क्वायर। क्लियर हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, यहां से रो भी कॉमन है जी भी कॉमन है, तो दोनों में जब रो जी कॉमन लेंगे तो एच वन माइनस एच टू बनेगा, तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, रो जी आपने कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा एच वन माइनस एच टू, उसके बाद हाफ रो वी का स्क्वायर। क्लियर हो गया, अब जरा लेफ्ट हैंड साइड में भी चेक करें, राइट हैंड साइड में भी चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में भी रो प्रोडक्ट में है, इधर भी रो प्रोडक्ट में है, डेंसिटी ऑफ दी वाटर, तो ये दोनों केसेस में क्या है, सेम है, इट मींस दैट रो कैंसिल्स आउट विद रो, बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्या बचेगा, जी एच टू लाइक यहां पे आपके पास बचेगा जी टाइम्स एच वन माइनस एच टू, इधर हमने कहा था h1 minus h2 को सिंपली हाइट h का नाम दे सकते हैं, तो ये बनेगा g times इसकी जगह हमने h लिख दिया is equal to half v square। तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे यहां पे हमारे पास नेक्स्ट टर्म कुछ इस तरह से बनेगी, ये 1 by 2 है, राइट हैंड साइड से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, लाइक दोनों साइड पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 2 से कट जाएगा, सो इट इंप्लाइज दैट 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, और आप लोग क्योंकि v फाइंड करना चाह रहे थे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट्स ले लें, जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो v विल बिकम इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया, अब आप अगर अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें, इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, आप एक ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करें, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर होता है, या अंडर द ग्रेविटी 2gh विल बिकम इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इधर आपका 2gh किसके बराबर बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इधर है उसे मैं v कह दूं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक क्या बनेगा, 2gh इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल की जगह जीरो का स्क्वायर, ये बनेगा 2gh इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, taking square roots on both sides cancels out, so your final velocity will become equal to 2gh square root, ठीक है, तो ये तो वही वैल्यू है
जो कि हमें नॉर्मल काइनेमेटिक्स में भी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फाइंड की थी। तो इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूजन ये हुआ अगर आपके पास कोई एक ऐसा कंटेनर हो कि जिसमें बहुत ज्यादा लेवल ऑफ वाटर मौजूद है, आप यहां से ड्रेन करके पानी निकालें, यहां से निकालें या यहां से निकालें, जब इस जगह पे पहुंचेगा तो पानी की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज नोन एज टॉर्सलीज थ्योरम व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, जिस केस में हम लोग इसे लिक्विड्स पे अप्लाई कर सकते हैं।